हेलो गाइस, दुर्गा पूजा के पहले एसबीआई ने हमें एक गुड न्यूज़ दे दिया है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल हर बार की तरह 2000 ही वैकेंसीज है। जनरल में 810 एंड एससी में 300, एसटी में 150 एंड ओबीसी में 540। तो हर बार की तरह इनका सेम ही वैकेंसीज है। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी डेट जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट उन्होंने नवंबर दिसंबर 2021 लिख के रखा है। मतलब नवंबर के लास्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम होगा। मेंस का डेट उन्होंने दिसंबर में दे रखा है, तो अराउंड दिसंबर का लास्ट वीक में के अराउंड मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन जनवरी में दे के रखा है। ओके, सेम हर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह से यहाँ पे भी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के जो है वो टोटल 35 क्वेश्चंस, क्वांट के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं, आप कट ऑफ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। पिछले साल अराउंड 55 के अराउंड कट ऑफ गए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेवल कैसा रहता है एग्ज़ाम का। इसके बाद आते हैं मेंस में। मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर सेक्शन टोटल 60 मार्क्स कैरी करता है और 1 आवर की ड्यूरेशन इसमें रहती है। टोटल 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। और हाँ, शायद 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं और 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस रहते हैं। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 टोटल क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पे 60 है। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस में नॉर्मल 1 मार्क्स कैरी करेगा 40 मिनट से, और इंग्लिश के लिए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1.5 मार्क्स कैरी करेंगे इंग्लिश में। ओके, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो 50 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। और पिछले साल का जो कट ऑफ है वो आप अराउंड 86 से 87 के आसपास कट ऑफ था मेंस का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछले बार जैसे क्वेश्चन आए थे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, तो वहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन अच्छे लॉजिकल दिए थे, तो आप उन सभी का भी तैयारी करके रखें। रीजनिंग में हर बार की तरह न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो वो तो टोटली डिपेंडेंट है रीडिंग पे, और हर साल मतलब न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस इंग्लिश में भी पूछे जा रहे हैं। ओके, इसके साथ जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में 6 मंथ जीए टोटली डेप्थ में पढ़ना होगा। हाँ, 4 मंथ भी चलेगा लेकिन टोटली डेप्थ में करे, ताकि कुछ भी इन डेप्थ न्यूज़ आपसे रह ना जाए, क्योंकि इन डेप्थ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस बहुत ही इन डेप्थ में होके पूछे जाते हैं, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। आप लोग को फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि उनसे आपको मतलब जैसे क्वेश्चंस एक समथिंग कुछ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस रहेंगे, और आपको चूज़ करना रहेगा कि ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ राइट या 2 एंड 3 इज़ राइट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में, तो इसके लिए रेडी रहना होगा आपको पहले से ही इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। और प्रीलिम्स के मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में 55 कट ऑफ गया है, तो एग्ज़ाम में आपको हल्का सा भी डरना नहीं है। आपके अगर अटेम्प्ट कम होते हैं तो डरना नहीं है। आपको एक सब सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्क्स की जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करनी है और चलनी है, आगे बढ़नी है। ओके, कोशिश करनी है कि हर एक सब्जेक्ट में आप ऑलराउंडर बने, सिर्फ एक सब्जेक्ट रीजनिंग में ही मार्क्स उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। कोई भी पजल्स यहाँ पे जो आते हैं वो ट्रिकी पजल्स आ सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी ऑलराउंडर जो एबिलिटी है वही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। तो अराउंड अगर 55 के आसपास कट ऑफ जाती है तो आप सोच सकते हो कि लेवल कैसा है, तो उसी अनुसार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड थोड़ा सा शोर आ रहा है, पर इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। घर में थोड़े गेस्ट आए हैं दुर्गा पूजा के कारण। नो, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में कैसे दुर्गा पूजा होता है आपको पता ही है। तो ये था एसबीआई
पीओ के बारे में सारा नॉलेज। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 5-6 दिन रुक जाइए, आराम से सब कुछ जानकर, सब सोच समझ कर ही फॉर्म्स अप्लाई करें, क्योंकि एक बार फॉर्म एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम होती है। तो यही था एस बी का, बहुत ही अच्छी खबर है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। एक्चुअली तो ड्रीम जॉब होता है सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स का, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे भी देने को मिलेगा। मैं भी वेट कर रहा था बहुत दिनों से इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलो, अच्छी न्यूज़ है, दुर्गा पूजा से पहले हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली, और होपफुली नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लाइनअप है, RRB क्लर्क मेंस और NIOCL का जो प्रीलिम्स है, उस पर भी अच्छा करो। ओके, थैंक यू।